फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन किया हरी का उस वक्त वक्त मांगा। किससे मांगा? ऊपर से। जब बुलावा आ गया, हम बहुत पहले कई वर्ष हो गए एक भजन गाया करते थे, गाऊंगी नहीं। स्वर्ग से आयो है संदेशा, बुलावा आयो राम को। राजस्थानी एक भजन है। जब बुलावा आया तब उस समय जीवात्मा क्या कहता है, प्रभु एक मिनट प्रभु माने दे दो बेटा से करूं बात। पेटी में सब गहनो धर्यो, सब बेटन में तू बांट रे, बुलावा आयो राम को। बड़ा लंबा भजन है। बेटा से किया, बेटी से किया, पति से किया, बहुओं से किया। जब सब से बात हो गई तो अब ठाकुर जी ने कहा महतारी अब चले कि और एक आध बचे हैं रिश्तेदार। तो कहती है प्रभु एक मिनट प्रभु मोहे दे दो, आपसे कर लूं बात। आपसे जरा एक बात करनी है। क्या बात करनी है? प्रभु जीवन तो मेरा बीत गया, भव सागर से पार करो मोही, अजी अब की रख लो लाज रे, बुलावा आयो राम को। जब जीवन में समय था तो बेटा बेटी धन की पेटी सब याद रही, पर भगवान नहीं याद रहा। और जब बुलावा आ गया तो अब आखिरी में मनुष्य कहता है थोड़ा तो समय दे दो भगवान से बात कर। एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई, अब उसकी अर्थी ले जाई जाने लगी। कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद बहुत देर तक आत्मा शरीर के अगल बगल भटकती रहती है, क्योंकि बड़ा मोह होता है उसे आत्मा को शरीर से। वो जाना नहीं चाहती है, छोड़ आस पास रहती, इसलिए शव को अकेला भी नहीं छोड़ा जाता, भटकती रहती है। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, अब आत्मा भटक रही है और वो आत्मा पुकार पुकार के कहती है दुनिया से जा रहा हूँ, रोको ये दुनिया वालों, अरे यम खींचता है मुझको, पकड़ो तो इसको प्यारों, ले जा रहा है जरा कोई रुको ना मुझे, नोटों की 20 बंडल छाती पे मेरे रख दो, धनवान मैं बड़ा था निर्धन न करके मारो, अरे इतना मैंने जीवन भर कमाया जाके तिजोरी से क्यों नहीं निकाल के लाते, 10-20 बंडल मेरी छाती पे रखो, अपने लिए किया था और मेरे ही साथ ना जाए तो क्या फायदा। तुम जानते हो मैं था कपड़ों के मिल का मालिक, तुम्हें पता है ना हमारी कपड़े की फैक्ट्री थी, अब तन पे एक कपड़ा इसको तो ना उतारो, एक कपड़ा पड़ा है तन पे इसको तो अलग मत करो, कहते सदा यही थे तेरे साथ ही मरेंगे। आपको भी बहुत ऐसे रिश्तेदार मिलेंगे, चिंता मत करिएगा, मिलकर क्या कहेंगे, तुम चिंता मत करना तुम्हारे साथ ही जिएंगे और तुम्हारे साथ ही। जो आदमी ऐसा कहे लेट मत करिए, तत्काल चूहा मारने की दवा लाइए, कहिए हम हूं खा रहे हैं तुम हूं खा, पहले ट्रेलर लेंगे, ट्रायल होगा उसके बाद हम यकीन करेंगे कि तुम साथ में मरोगे कि नहीं मरोगे। कहते सदा यही थे तेरे साथ ही मरेंगे, अब मर गए कहां सब उनको आवाज मारो, हमारे साथ मरने वाले कहां मर गए, पहले ही निपट गए, कहां है सब, एक मिनट भी अकेला मुझको ना छोड़ते थे, अब जा रहा हूं तनहा मेरे आओ रिश्तेदारों, लाइन लगती थी मुझसे मिलने की, अब अकेले जा रहा हूँ कोई एक भी नहीं आ रहा है, अर्थी निकल पड़ी। अब ये आत्मा चीख कर कहती है मुझे नास्तिक को थोड़ा करने दो, हरि के दर्शन मंदिर के आगे मेरी अर्थी जरा उतारो, 2 मिनट रुको ना, मैं दर्शन तो कर लूं, जीवन भर नहीं किया क्योंकि माया में था, एक बार आखिरी समय में मेरी अर्थी को तो दर्शन कर लेने दो। अर्थी भी नहीं रोकी गई, अब आत्मा कहती है अच्छा मुझे नहीं रोकते कोई बात नहीं, मेरी बात तो इस तक पहुंचा दो, कानों में इनके जाके प्रभु से जरा ये कह दो, क्या कह दो, पापी तो मैं बहुत था लेकिन मुझे भी तारो, पापी तो मैं बहुत था लेकिन मुझे भी तारो। पर जीवन के इस अंतिम समय में इस चीज का भैया कोई लाभ होने वाला नहीं है।
आप कहो रावण तो तर गया था एक बार राम कह करके, बिल्कुल तर गया था, पर रावण उसके पहले जन्म में कितने धर्म करके आया है इस बात को आप नकार नहीं सकते। जब वो प्रताप भानु के रूप में थे, एक एक यज्ञ को हजारों हजार बार उन्होंने संपन्न किया, तब वो रावण बने, तो पूर्व जन्म के सुकृत को भी तो आप जोड़ोगे ना। हमें तो हमारा पिछले का था पता ही नहीं, क्या करके आए हैं, क्या कर रहे हैं, बस ये ध्यान दे। दशरथ जी ने तत्काल निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, अब ये सब कुछ मैं उनको सौंप दूं, ये जिनका है, यानी वानप्रस्थ का जीवन जीना है। जिम्मेदारियों का बोझ एक समय तक उठाना चाहिए, एक समय के बाद जिसके लिए ये जिम्मेदारी आपने अब तक उठाई थी, अब इसको देकर के छुट्टी गई। किसको देना है, जिसके लिए आपने कमाया है। व्यक्ति जीवन भर उसी में फंसा रहता है, क्यों रहता है, अगर मैंने नहीं संभाला तो कहीं बिगाड़ ना दे, और इस चक्कर में अपनी खोपड़ी पे जीवन भर बोझा लिए लिए मर ही जाता है, छुट्टी नहीं मिलती, नहीं मिलती। आपकी जब तक अवस्था कमाई की थी तब तक धन की कमाई करिए, और साथ में कमाई हो राम नाम की, लेकिन एक समय जब आपके बुढ़ापे के दस्तक हो तो अब धन की कमाई छोड़कर केवल राम नाम की कमाई होनी चाहिए। न चंचल सदा जिंदगानी रहेगी, न राजा रहा है न रानी रहेगी, न कमलों पे हरदम मंडराएंगे भौरे, न फूलों की बुलबुल दीवानी रहेगी, ये सिगरेट चिल में तमाशा वा फिल्में, न यारों की महफिल सुहानी रहेगी, बुढ़ापा जो आया कदम लड़खड़ाए तो खड़ी कब तक बिल्डिंग पुरानी रहेगी। जब कदम लड़खड़ाएंगे तो कितने दिन हम खड़े रह पाएंगे। याद रहे दशरथ जी ने जो कार्य किया वो हमें भी करना। देखो मुक्त तो सबको होना है, होना है ना, मुक्त तो होना है कि नहीं होना है, कब होंगे, मरी के कि जीते जी, जो जीते जी मुक्त तो नहीं हुआ मरने के बाद भी नहीं होगा, इस बात को लिख लीजिए। जो जीते जी मुक्त तो होने का भाव स्वभाव बना ले उसको आप बेशक मानिए कि वो मुक्त है, और जो जीते जी मुक्त ना हो सका वो मरने के बाद भी होने वाला। एक माई आखिरी सांस ले रही थी, आखिरी सांस, बोल ना पाए, अब इशारा करे, देख रही है क्या, उसकी बकरी जो है वहीं पे बंधी थी, अब वो इशारा करे बकरी की ओर बार 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 बार, तो बेटों को लगा, लगता है माई चलते बेरा में कोनो धनवन की पेटी कहीं छुपाई होंगी, सोच रही है मरने के पहले बता दे लड़कवन को, तो इसीलिए माई बार बार उधर इशारा कर रही। गए शहर के सबसे महंगे डॉक्टर को लिया, साहब एक बार हमारी माई से एक लाइन बोलवा दो खाली, ओकरे बाद जो मन हो जाए। डॉक्टर साहब ने कहा हाई डोज है, मर ही जाएंगी तुम्हारी माता जी। बोला मर जाए धनवा तो मिल जाएगा, लगा दो कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन लेकिन बोल दे। बोला बिल्कुल, दो मिनट के लिए जियेंगी, चिंता मत कर। लाए इंजेक्शन लगाया, अब माई उधरी इशारा कर रही हाथ से, ऐसे 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 कर रही। अब हुआ क्या, जैसे इंजेक्शन लगा बोलने की शक्ति हुई, बच्चे आंख खोल, हाँ माता जी कहाँ धन रखा, माता जी अरे नालायक हो, दिखाई नहीं पड़ रहा, अंधे हो, बकरी झाड़ू खा रही थी। इमाई मुक्त होंगी, मुक्ति इनको देख के मुक्त हो जाएगी, इनकी मुक्ति नहीं हो सकती जो अंतिम श्वास को भी व्यर्थ कर दे और ये ना समझे कि मेरे जीवन के लिए मैंने क्या अर्जित किया। उसकी मुक्ति का रास्ता कोई दूसरा नहीं खोलता, कोई दूसरा नहीं, आदमी अपने कर्मों से अपने मुक्ति और पतन का रास्ता खोलता है।